एसोसिएशन की ओर से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सरकार द्वारा जो सर्जरी करने की अनुमति दी गई है उसका विरोध किया गया। यह कैंडल मार्च कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर गांधी चौक पर संपन्न हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान अरुण गोयल ने बताया कि सरकार द्वारा जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार के 58 तरह की सर्जरी देने की अनुमति दी गई है उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इन आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा सर्जरी करने के लिए ना तो पढ़ाई की गई है और ना ही ट्रेनिंग ली गई है, जिसके चलते मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए सरकार से मांग की जाती है कि इस कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने के लिए मशीनरी तो पैसे से खरीदी जा सकती है, परंतु एक्सपीरियंस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जिसके लिए MBBS की पढ़ाई करनी जरूरी होती है। हाँ जी, आज किस विरोध में किया जा रहा है ये? ये विरोध हमारा जो अभी कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, जिसमें उसने सब मेडिसिन की पद्धतियों को, जो भी चिकित्सा की पद्धति हैं, सबको मिक्स कर दिया। जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, उनको मिक्स करके 2030 में एक वो अलग डिग्री बना रहे हैं, जिसमें ये सब पैथियाँ एक ही आदमी को पढ़ाई जाएंगी और हर तरह का इलाज एक ही आदमी करेगा। हमारा मानना ये है कि एक आदमी सारी पद्धतियों का ज्ञान प्रॉपर से प्राप्त नहीं कर सकता और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें पेशेंट्स में कन्फ्यूजन फैलेगा, पेशेंट्स का इलाज प्रभावित होगा, उनको ये मालूम नहीं होगा कि हमने कौन सी पद्धति में इलाज कराना है। आज पेशेंट के पास चॉइस है, वो चाहता है कि मैं एलोपैथी में इलाज कराना है तो एलोपैथी में कराता है, आयुर्वेदिक में चाहे आयुर्वेदिक में कराता है। हम किसी पद्धति के या किसी फिजिशियन के, किसी भी पद्धति के डॉक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मानना ये है कि सब पद्धतियों को अपने तरीके से प्रोग्रेस करने का, रिसर्च करने का, डेवलप करने का मौका दिया जाना चाहिए। अनुसंधान और रिसर्च हर एक पद्धति में प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि हर पद्धति अच्छी तरह से डेवलप हो सके, बजाय इसके कि एक शॉर्टकट मार के सब पद्धतियों की एक खिचड़ी बना दी जाए और पेशेंट को कंफ्यूज कर दिया जाए। उसकी बजाय सब पद्धतियों को अलग से डेवलप होने दिया जाए। आज क्या किया जा रहा है? आज हम एक कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये कैंडल मार्च साइलेंट होगा, यहाँ से महात्मा गांधी की मूर्ति तक जाएगा। हम सिर्फ पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार का ये कानून है वो गलत है और बिना सोचे समझे बनाया गया है, इससे पेशेंट्स के लिए नुकसान होगा। इलाज सस्ता करेंगे वो दूसरे डॉक्टर जो आयुर्वेदिक? इलाज सस्ते महंगे की बात नहीं है, उसमें इलाज के कॉस्ट की कोई बात नहीं आई है। बात यह है कि पहले इलाज ठीक से हो पाएगा कि नहीं पाएगा, महंगे सस्ते का कोई इशू नहीं। उनके पास वो मशीनरी अवेलेबल होगी? मशीनरी भी अवेलेबल हो जाएगी, सब कुछ हो सकता है। मशीनरी तो अवेलेबल पैसा दे के हो सकती है, पर काम करने वाला आदमी प्रॉपर हो तभी मशीनरी को ठीक से यूज़ कर सकता है। टेक्नोलॉजी तभी काम आती है अगर उसको नॉलेज हो इस्तेमाल करने की। हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी हर एक पद्धति में डेवलप की जा सकती है, उस पद्धति की पढ़ाई के हिसाब से। सब पद्धतियों मिक्स करके पेशेंट को और डॉक्टर को, सबको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, सारा मेडिसिन का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। IIM में पैसा भी ज़्यादा लगाते हैं और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करते हैं अपनी डिग्री को प्राप्त करने के लिए। आज की घड़ी में एलोपैथी जो है वो सबसे एडवांस पद्धति है, इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च है, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। एमरजेंसी में और सर्जरी में एलोपैथी का भाव और पद्धतियाँ आज की घड़ी में कोई मुकाबला नहीं करती, पर अगर उन पद्धतियों में इलाज और रिसर्च की जाए तो हो सकता है कि उनकी भी सर्जरी डेवलप हो जाए, उनकी एमरजेंसी मेडिसिन डेवलप हो जाए। आज की डेट में अगर सबको मिक्स कर देंगे तो सब पद्धतियाँ मिक्स होके खिचड़ी बन के किसी भी काम की नहीं रहेगी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अरुण गोयल, प्रेसिडेंट IIM करनाल। एक लेडी डॉक्टर ऊंचा बोलिए। मैम बता दूँ, आप बता दूँ। आज हम डॉक्टर्स मिक्सोपैथी के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो कि आयुर्वेदा और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, तो भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी से, बट यही है कि जो पैथीज हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, उनको मिक्स नहीं किया जाए, दैट्स इट। आज क्या करने के लिए इकट्ठा हुए? सॉरी, आज किस लिए इकट्ठा हुए? आज किस लिए प्रोटेस्ट? और इसी मिक्सोपैथी के अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कि ताकि इसको लीगली प्रमोट नहीं किया जाए और एक्सेप्ट नहीं किया जाए। कैंडल मार्च निकाला जाएगा? कैंडल मार्च निकाला जाएगा, सारे करनाल के डॉक्टर्स, IIM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करनाल के जो सारे डॉक्टर्स हैं वो मिलके अभी कैंडल मार्च हम लोग करेंगे, ताकि मिक्सोपैथी को
लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाए और मोटिवेट नहीं किया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पूनम सोदी भाई। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि वो लीगली उसको मोटिवेट नहीं करें, मिक्सोपैथी को लीगली मोटिवेट नहीं करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.